उसने बचाता है और नेकियों को करता है। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि हम ताला शानू इंसानों में आपस में मोहब्बत पैदा करवा रहे हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत पैदा होती है। इस दौर में हम और आप फंस रहे हैं, इस दौर में ना इत्तेफाकी ना चाकरी, दुश्मनी अदावत झगड़े लड़ाई घर घर में महल्ले महल्ले में बस्ती बस्ती में अपराध अपराध भी मौजूद है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जिन गुनाहों से हमें छोड़ने का हुक्म दिया गया उन गुनाहों को हमने नहीं छोड़ा, जिन नेकियों के करने का हुक्म दिया गया उन नेकियों को हमने नहीं किया, जिसकी वजह से मोहब्बत अदावत और दुश्मनी से बदल गई। इसलिए बंदा जब अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करता है, अल्लाह को राजी और खुश करता है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती है। और जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है तो अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत पैदा होती है। और मखलूक में एक तो हजरत इंसान ने जो अशरफुल मखलूकात है उसकी मोहब्बत तो पैदा होती है, इसके अलावा आम मखलूकात से भी मोहब्बत पैदा होती है। और हम ताला शानू को अपनी मखलूक से मोहब्बत है, अपने बंदों से मोहब्बत है, लिहाजा जो उसकी मखलूक से उसके बंदों से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला की मोहब्बत भी उसके दिल में आएगी। देखो एक बाप है, बाप की औलाद है, कोई आदमी ये दावा करता है कि मुझे बाप से बहुत मोहब्बत है लेकिन उनकी औलाद से मोहब्बत नहीं है, तो ये समझाया जाएगा तो वो अपनी अपने दावे में सच्चा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि माँ बाप से तो मोहब्बत है और माँ बाप की औलाद से मोहब्बत नहीं है? जब माँ बाप से मोहब्बत है तो उसकी औलाद से भी मोहब्बत जरूर होगी। बल्कि आदमी अगर देखे तो आदमी जिस घर में रहता है उस घर में जहाँ बाल बच्चों से मोहब्बत होती है वहाँ घर से और घर की चीजों से भी मोहब्बत होती है। भाई क्यों? ये मेरे बाप का घर है, ये मेरी माँ का घर है, ये मेरे बाप की चीजें हैं, ये मेरी माँ की चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जब सही मानने में गुनाहों को छोड़ता है और ताकत और परमानंदगी वाली जिंदगी अख्तियार करता है तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह की मखलूक में हजरत इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उससे भी मोहब्बत पैदा होती है। बल्कि हक ताला से मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका और एक जरिया यह है कि आदमी उसकी मखलूक से उसके बंदों से मोहब्बत करे। जब आदमी को अल्लाह के बंदों से मोहब्बत होगी इस बुनियाद पर कि ये मेरे रब के बंदे हैं अल्लाह से भी मोहब्बत पैदा होगी। मेरे भाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ताला शानू ने अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। एक बहुत लंबी मुद्दत तक आप लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। जिन चंद खुश नसीबों के मुकद्दर में ईमान था वो ईमान लाए, बाकी अक्सरियत ईमान नहीं लाए। 950 साल एक तवील जमाना है आपकी तबलीग का। जब आपने देखा कि कौम बिल्कुल राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन्होंने दुआ की, रब्बी ला तज़र अला अर्दि मिनल काफिरीन दियारा। अल्लाह जो तेरा नाफरमान है उसमें से किसी को भी जिंदा बाकी न, सबको हलाक और बर्बाद कर दे। ताला ने नबी बनाकर भेजा था और दावत का काम बहुत मेहनत से किया था और हर तरीके से कौम को अल्लाह की दावत की डराया था, लेकिन जब कौम ने दावत को कबूल नहीं किया नबी ने बददुआ की, हम ताला शानू ने उनकी बददुआ को कबूल करवाया। आपने वाक्य सुना है कश्ती बनाए फरमाबरदारों के साथ सवार हुए और अल्लाह ने सैलाब भेजा और सारे दूसरे इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर इस
इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगारों के साथ कश्ती से उतरे और फिर उस बस्ती में आबाद हुए। तो अब ताला शानू ने वाणी में कह दू मिट्टी के बर्तन बनाइए। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अब ताला शानू के हुक्म को पूरा करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाए। कई वक्त उसके गुजरा बहुत सारे बर्तन बनाए और बर्तन बनाकर पार हो गए। जब बर्तन बनाकर पार हो गए तो अब ताला शानू ने दूसरा हुक्म भेजा, कह दू जितने बर्तन बनाए हैं सब के सब बर्तनों को तो धो। सलाम ने आगे किया, इला आलमीन मैंने बर्तन खुद नहीं बनाए, आपके हुक्म से बनाए हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं। मुझे दिल में रंज होता है कि अपने हाथ से मेहनत से बनाई हुई चीज को तोड़ तोड़, लेकिन आपका हुक्म है मैं इसको तोड़ा। चुनांचे सलाम ने मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ी। अब ताला शानू ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खिताब करवाया, कह नूह मेरे हुक्म से बर्तन बनाए थे और तेरी मेहनत से तूने बर्तन बनाए थे, इसके बावजूद मैंने तोड़ने का हुक्म दिया तो तुझे नागवारी हुई। क्यों? मेरे हुक्म के साथ तेरी मेहनत लगी हुई थी और मेहनत से जो चीज वजूद में आती है उससे मुहब्बत होती है। तूने इस बर्तन के बनाने में मेहनत की थी, तुझे इस बर्तन से मुहब्बत थी, लिहाजा इस बर्तन को तोड़ने का हुक्म दिया, तुझे थोड़ा शार्प हो गया। नूह क्या ख्याल है, तेरी बद्दुआ पर मैंने सारे इंसानों को बर्बाद कर दिया, कोई इंसान भी मेरे बनाए हुए थे, मेरे हुक्म से बने हुए थे, मेरे बनाए हुए थे। तो अगर मेरे हुक्म से बनाए हुए थे और मेरे बनाए हुए थे, जिस तरीके से तुझे अपने बर्तन के तोड़ने में नागवारी हुई, क्या मुझे मेरी मखलूक से मोहब्बत नहीं है? मुझे भी मेरे बंदों से मोहब्बत है। हाँ, नाफरमान थी और मेरा हुक्म था और मेरी दुआ थी, मैंने उसको भूल के इसको बर्बाद कर दिया। मतलब है ये अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत है। लिहाजा दुनिया में जितने भी इंसान है वो अल्लाह की मखलूक है, हमें इस एतबार से इनसे मोहब्बत होनी चाहिए कि मेरे रब की मखलूक है, मेरे रब के पैदा किए हुए हैं। यहाँ पर बात यह है, जब आदमी अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला को यह अमल बहुत पसंद आता है। और वाकयात में ये बात मिलती है, साबिक जमाने में एक आदमी का ताजिर का इजाद किया करता था, कोई खास नमाज रोजे का फराइज का इबादत का पाबंद नहीं था, इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई, अल्लाह ताला तो आलिम गैब है, अल्लाह गयूब है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ताला शानू ने फरिश्तों से कहा देखो इसके नामे आमाल में कोई नेकी है। फरिश्तों ने देखा और इसके बाद कहा इलाहा में कोई नेकी नहीं है, न नमाज है, न रोजा है, न ताअत है, न फरमाबरदारी है, न इबादत है, कुछ नहीं, कहां जाओ देखो। तो फरिश्तों ने देख कर कहा इलाहा एक नेकी है, ये बहुत बड़ा ताजिर था, माल को बेचा करता था, गरीब और तंदुरुस्त जब माल खरीदता था तो उधार खरीदता था, तो ये खुद भी और अपने गुलामों को भी अपने नौकरों को भी इसने कह रखा था कि जब कोई गरीब आदमी उधार माल खरीदे तो उसको उधार दे दे और वक्त पर पैसे ना अदा कर सके तो उसे नरमी करे, उसे सख्ती का मामला न करे, बस ये इतने काम है। ताला शानू अल्लाह मौलूब है, बावजूद सब कुछ जानने के हम ताला ने फरिश्तों से फरमाया कह मेरे फरिश्तों ये मेरा गुनहगार बंदा कोई इबादत कोई आमल नहीं करता था, लेकिन मेरे बंदों के साथ नरमी करता था, मेरे बंदों को आपको दरबदर का मामला करता था, मोहलत देता था, माफी का मामला करता था। जब मेरा बंदा मेरे बंदों के साथ नरमी करता है वो मुझे पसंद आई, मैंने इसी पर इसी मौके यहाँ शैतान शुबा पैदा कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, नमाज रोजा इबादत सच्ची से छुट्टी हो जाएगी, एक ऐसा काम करो
मेरे भाई एक है रहमत और एक है कानून खुदावंदी। ये रहमत का मामला है, कानून खुदावंदी ये नहीं है। कानून खुदावंदी तो ये है आदमी हराम को मकरूहात तहकीकी को छोड़े फराइज और वाजिब और सुन्नत को अदा करे, ये कानून है। अल्लाह ताला इसको उसकी मगफिरत फरमाएंगे, अपने आदाब से बचाएंगे। हाँ, कभी किसी के साथ रहमत का मामला करे वो कादिर मुतलक है, उसकी शायद निशान है, वो उसका मामला है। लेकिन आदमी को कानून देखा जाता है, रहमत का मामला नहीं देखा जाता। रहमत का मामला अपने मखसूस बंदे के साथ होता है। हकीम मोहम्मद हजरत खानी रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छे वाक्य से इस बात को समझाया कि कानून खुदाबंदी को देखना चाहिए, रहमत का मामला जो उसके किसी खास बंदे के साथ हो उसको जाब्ता और कानून नहीं बनाना चाहिए। हैदराबाद में नवाब के निजाम, उसके वजीर ने उसकी दावत की, दावत में बुलाया, बेहतरीन खाने तैयार करवाया। वजीर का एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, और बड़ा तेज दिमाग था। नवाब साहब जब घर पर आए तो देखा छोटा बच्चा है, तो उस बच्चे के कान को पकड़ा और पड़ोड़ा। अब वो बच्चा तो बच्चा है, उसको तो मारते हैं कि वजीर मेरा अब्बा है, उसको मारते हैं वजीर क्या होता है और नवाब क्या होता है, इस तरह अब्बा अब्बा है, एक एक आदमी है। तो जैसे ही नवाब साहब ने उनके कान को मरोड़ा, उसको फौरन गुस्सा आया और गुस्से पर उसने उनको दूर दूर उछाल गाली दे दी। जब वजीर ने ये सुना तो वजीर हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया कि नवाब साहब को मेरे बेटे ने गाली दी है, अब इसकी खैर नहीं है। चुनांचे बेटे की जान बचाने के लिए खुद ही कहा कि नवाब साहब कह रही है मैं अभी तलवार से इसकी गर्दन को उड़ाता हूँ, इसने आपकी शान पर उस्ताद की है। नवाब साहब ने कहा बदरी साहब ये बच्चा है, इसको मालूम नहीं कि नवाब क्या होता है वजीर क्या होता है। हाँ, इसके अंदर एक खूबी है, वो खूबी ये है कि जब इसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो इसका दिफा करता है, पर ऐसे ही बैठा ही रहता है, मुझसे नहीं बना रहे। मैंने इसके कान को मरोड़ा, उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने मुझे बुरा भला कहा कि उसके गैरत का तकाजा है, उसकी जवानी है, उसकी बहादुरी है कि वो आने वाली तकलीफ का दिफा करता है, आने वाली तकलीफ को रोकता है, उस दिन बनकर बैठा ही रहता है, इसका कमाल है। और फिर नवाब साहब ने वजीर साहब से कहा इस बच्चे का वजीफा शायद खजाने से जारी कर दिया जाए, और इस वजीफे का नाम होगा वजीफा कृष्णा। फारसी में कृष्णा कहते हैं गाली को, गाली का वजीफा। बच्चे ने गाली दी और नवाब साहब ने वजीफा जारी कर दिया, वजीफा कृष्णा। हकीम मोहम्मद हजरत खानी फरमाते हैं कि देखो नवाब साहब को इसने गाली दी और नवाब साहब ने वजीफा शुरू कर दिया। अगर कोई आम आदमी देखे कि नवाब साहब से होली पर लेना हो तो हम भी गाली दें और वो गाली देने लगे तो क्या उसको भी इस तरीके से वजीफा मिलने वाला है, उसको भी इस तरीके से पैसे मिलने वाले हैं। अभी नहीं, अगर नवाब साहब को समझदार आदमी ने गाली दी तो या तो उसकी पिटाई होगी या उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चे के साथ जो मामला है वो उसके बच्चा होने की वजह से शफकत का मामला है, खास मामला है, ये आम कानून और ज़ाब्ता नहीं है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला शानु किसी दाजी के साथ इस तरह रहमत का मामला फरमाए, शफकत का मामला फरमाए, तो इसको कानून नहीं बनाएंगे। कानून तो वही होगा कि आदमी अल्लाह के फराइज और वाजिबात को पूरा करे और अल्लाह के नवाज़े और हराम से अपने आप को बचाए। भारत में याद कर रहा है कि आदमी को चाहिए कि जब वो इस तरह दाढ़ी और बाकी गुनाहों से अपने आप को बचाएगा तो इसके नतीजे में उसके दिल में अल्लाह की और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत होगी, और मखलूक में जितने इंसान हैं इंसानों की मोहब्बत होगी। फिर ये भी जरूरी है कि वो इंसान नेकोकार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो नेक है चाहे वो गुनहगार है, अल्लाह का बंदा होने की वजह से, अल्लाह की मखलूक होने की वजह से उसको जरूर मोहब्बत हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे चल रहे थे, एक कश्ती आ गई जिसमें चंद नौजवान सवार थे। वो नौजवान अवबास किस्म के थे, गाना गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और गुजर रहे थे। जब देखा कि जुनैद बगदादी एक आदमी के साथ चल रहे हैं तो उसने पानी दिया, उस पर छिड़का और उनको ताना तश्नी करने लगे।
शेर से इतने चार किया कि शेर उनके लिए बद्दुआ करे कि उन्होंने आपकी शान में तौहीन की है, उस्तादी की है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद आगे किया, इलाहाबाद ये दुनिया की खुशियों में मुबतला है, दुनिया की खुशियां मना रहे हैं, हमें ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा कि आखिरत में उनको खुशियां दें। देखो बुराई कर रहे थे, उस बुराई को सराह नहीं है, उनके लिए हिदायत की दुआ की है, गरचे वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन अपने एतबार से खुशी मना रहे हैं। ऐ अल्लाह दुनिया में गलत खुशी मना रहे हैं उनको हिदायत दे, तौबा की तौफीक अता फरमा और ऐसे नेक सारे आमाल की तौफीक अता फरमा कि जिस तरह यहाँ गलत खुशी मना रहे हैं आखिरत में सारे की वजह से आपके रजामंदी की वजह से सही खुशी मनाने वाले बन जाए। गुरीब ने कहा हजरत ये क्या हुआ, कहा अल्लाह मेरे अल्लाह के बंदे हैं, मेरे अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनको पैदा किया है, ये उनकी नादानी है जो गलत कर रहे हैं, मैं उनके लिए हलाकत की दुआ करूँ, मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ कि दुनिया में उनको हिदायत मिले और उनकी आखिरत भी सवर जाए और दुनिया में गलत खुशी उनको हासिल हुई है आखिरत में उनको सही मसरत और सही खुशी हासिल हो जाए। मेरे भाई नेक साले आमाल का नतीजा ये है कि आदमी के दिल में इंसान की मोहब्बत पैदा होगी, मखलूक की मोहब्बत पैदा होगी। आज जो हमारे माशरे में बुराइयां हैं, हमारे मुआशरे में परेशानियाँ हैं, हमारे मुआशरे में ना इत्तेफाकी और ना शांति है, इसकी दुनिया की वजह राजनीति और बातिनी गुनाहों में मुब्तला होता है। आदमी जब तक अपने आप को राजनीति और बातिनी गुनाहों से नहीं बचाएगा, वहाँ तक आपस के इख्तलाफात, आपस की नाचातियाँ, आपस की दुश्मनियाँ, आपस की आदावतें, आपस का हसद, आपस का दुख ये बढ़ता रहेगा, ये कभी गिरने वाला नहीं। बेहतरीन चीज है कि आदमी अपने आप को दागिरी गुना से भी बचाए, आदमी अपने आप को बादिरी गुना से भी बचाए। मेरे भाई जब बंदों को अल्लाह हसी की मखलूक से मोहब्बत होती है तो इंसान तो इंसान, फिर वो अल्लाह की दूसरी मखलूक से भी मोहब्बत करता है। एक बहुत बड़े मौका की सूत्र है, उनके हालात में लिखा है कि अल्लाह की तौफीक से उन्होंने लंबे आरसे तक कुरान और हदीस का सबक दिया, दावत और तरबीत का काम किया, किताबें लिखी, बच्चों को पढ़ाया, आलिम बनाया और बहुत सारे दीन बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई तो बंदे तेरी मकबूलियत का फैसला किया जा रहा है। उस वक्त वो हदीस ये सोचने लगे कि शायद मैंने हदीस की किताबें पढ़ाई है, बच्चों को हदीस का दर्द दिया है, तफसीर पढ़ाई है, किताब पढ़ाया है, ये काम किया है, ये काम किया है, मुजाहदा जिहाद किया है और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया है, हो सकता है ये मेरे लिए दाली सुनो। मालूम है तुझे किस चीज पर मैंने तेरी मकबूलियत की, ताकि मैंने तेरी मकबूलियत इस बात पर की। एक मरतबा तो हदीस लिख रहा था, पहले जमाने में लकड़ी के कलम होते थे, उसको रोशनाई में डुबोया जाता था और उसे लिखा जाता था। तो एक मरतबा वो लकड़ी का कलम रोशनाई में डाला और इसके बाद निकाला लिखने के लिए और उस पर मक्की आकर बैठ गई, वो रोशनाई पीने लगी। जब रोशनाई पीने लगी तो हजरत लिखने से रुक गए, बेचारी मक्की है, प्यासी है, पहले इसकी प्यास बुझाए, पीते पीते जब वो सैराब हो गई खुद, इसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया। कहा कि तूने प्यासी मक्की का ख्याल किया, उसको सैराब किया, हमें तेरा ये आमद इतना पसंद आया कि इसी पर तेरी मोहब्बत करवाई। तो मेरे भाई अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत है, मखलूक में अशरफुल मखलूकात तो बहुत बुलंद है, ऐसी मक्की जैसी मखलूक से भी आदमी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला के यहाँ नवाजा जाता है। सिर्फ और इस बात की है कि आदमी अपने आप को जाहिरी बातिनी गुनाहों से खूब बचाए ताकि अल्लाह ताला मुआशरे में, घरों में, खानदानों में, बस्ती में, मिल्लत में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत और मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला शान में जो बातें कह रहे हैं अल्लाह ताला सब को आमीन की बहुत ही नसीब फरमाए। आमीन व आमीन दावा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहमदिही व सुभान अल्लाह व बिहमदिही।
اللہ نے ہمیں محبت پیدا
آمین، اولادوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آمین، گھروں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آمین، خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آمین، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ عاجزی کی ساری عطا فرما، آمین، اے اللہ کبر سے، اے اللہ بغض سے، عداوت سے، اے اللہ حسد سے، اور ہر عادت سے ہماری حفاظت فرما، آمین، اے اللہ ہماری اور قیامت لانے والی ہماری نسبت کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ذرا ذرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.